हे देयर कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। ये आपकी मंथ ऑफ नवंबर की रीडिंग है फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, फॉर द लव लाइफ, रिगार्डिंग योर लव लाइफ। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स। व्हाट आर द मैसेज फॉर साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न्स। वन कार्ड फॉल डाउन हेयर, सो एक कार आपके लिए गिरा है यहाँ। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली आप कोई प्रैक्टिकल न्यू, आपको कोई मैसेज आएगा किसी की तरफ से, कोई भी पर्सन है जिसकी तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है, लेकिन आप जो है इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कोई पर्सन आपको लव ऑफर कर रहा हो, लेकिन आप मुझे यहाँ पर इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही उस ऑफ़र के लिए, और आप जो हैं अपनी पास्ट रिलेशनशिप में ही इतने रिग्रेट में हैं, इतना आपको रिग्रेट है उस पास्ट रिलेशनशिप का कि आप उस इन टू ऑफ कप्स को देख भी नहीं रहे हैं। यहाँ जो आपके पास टू ऑफ कप्स हैं, आप इनकी तरफ नहीं देखना चाह रहे। आप उस लॉस पर रिग्रेट कर रहे हैं जो कि आपका हो चुका है। हो सकता है आप करंटली किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, और आप अभी बिल्कुल भी कोई नई कमिटमेंट ऑफ़र नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पे। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाहते। आप अपने आप में रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, और आपको अभी इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर ये आपका वो पर्सन ही हो सकता है जो आपको मैसेज कर रहा हो, जो आपका एक्स है, ये वही पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल टोटली कोई न्यू भी हो सकता है। आप यहाँ पे मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई आप हील कर रहे हैं, आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। यहाँ ये हीलिंग का कार्ड है, तो आप इस रिग्रेट से अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ पर मुझे नज़र आती। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर आप अपने इमोशनल बर्डन्स में इतने वो दब रहे हैं कि ये इमोशनल रिग्रेट इतना है कि आपके ये आप इसको बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर। बहुत ज़्यादा इस दुख में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थकावट में महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बोझल तबीयत हो जाती है, उस तरह की ऐसी कोई तबीयत है, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक आपके लाइफ में एक बोझ सा बन गया है आपकी लाइफ में। ये जो भी रिग्रेट रिलेशन उस रिलेशनशिप में आपको हुआ है, या फिर ब्रेकअप उस पर्सन से, वो जो भी पर्सन था, किसी अर्थ साइन से भी हो सकता है, किसी वाटर साइन से भी आपका ब्रेकअप हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न, या ये कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उस रिलेशनशिप के से आप बाहर आना चाहते हैं अपने इमोशंस, और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त कैप्रिकॉर्न, और आप हील करना चाहते हैं इस रिग्रेट से, इस डिसअपॉइंटमेंट से, इस ब्रेकअप से बाहर आना चाहते हैं। अपनी इमोशनल जो भी आपकी सिचुएशन हुई है इस वक्त, उससे बाहर आना चाहते हैं। आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में हैं इस वक्त। आपके पास कोई कमिटमेंट ऑफर है, हो सकता है डेफिनेटली कोई पर्सन आपके अराउंड में हो सकता है, वो क्वीन ऑफ कप भी हो सकती है। वो पर्सन आप एक हीलिंग के तौर पे आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। उस पर्सन से आप, वो जो पर्सन चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई ऐसा पर्सन जो आपके अराउंड में, जिनका भी अभी ब्रेकअप हुआ है, वो अपने आप को रिलैक्स फील कराना चाहते हैं, अपने आपको हील करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से। आप उस पर्सन को ऑफर करना चाहते हैं ये कमिटमेंट, लव रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं, और आप उस पर्सन को हील करने के लिए उस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं। ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने शोल्डर में लेंगे अगर आप इस रिलेशनशिप में एंटर होंगे, ऐसे किसी रिलेशनशिप में जो कि अभी वो पर्सन किसी ब्रेकअप से गुजर रहा है या हुआ है, उसका रीसेंट कोई ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सो कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपका आउटकम क्या है। सोर्स डिसीजन बनाना है आपको, यहाँ पे डिसीजन आपको बनाना है कि आपको इस पर्सन को ऑफर करनी चाहिए या नहीं, या फिर इस पर्सन का आपको कब जो है लव ऑफर दोबारा से एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। ये पास्ट पर्सन है डेफिनेटली,
या फिर ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जो आपको कोई ऑफर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को लव ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी इस चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, लव रिलेशनशिप में न्यू इमोशनल बिगनिंग हो रही है, या आप उस अपने जो फ्रेंड था उसके साथ एक आप रिलेशनशिप में एंटर होने की कोशिश करना चाह रहे हैं, अब जो कि सिर्फ फ्रेंड था लेकिन अब उसके में एक जज्बात की भी कैफियत आ गई है, एक लव रिलेशनशिप भी बिल्ड होने लगा है, तो आहिस्ता आहिस्ता की बात है, तो आपको ये डिसीजन बनाना है कि उस पर्सन को, वो भी जो भी पास पर्सन, ये एक्स भी हो सकता है, या उस पर्सन को आपको ऑफर करनी चाहिए या नहीं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अभी आपने कम्प्लीटली वो ऑफर की नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इमोशनल न्यू बिगनिंग है, प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग प्रैक्टिकली भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ आपकी मैसेजेस पे बातचीत भी हो सकती है, लेकिन अभी आप सिर्फ इमोशंस आपने बिल्ड किए हैं और आप सोच रहे हैं कि ये इमोशंस आप उनको ऑफर करना चाहते हैं, सिर्फ इमोशनल न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर प्रैक्टिकली मुझे कोई बिगनिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपने एक डिसीजन बनाया है और उस पर्सन के साथ आप लव रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, या फिर वो पर्सन कोई आपका जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, या आपके कोई फ्रेंड है पुराना ओल्ड फ्रेंड, उसके साथ आप वो पर्सन आपको कोई ऑफर करना चाहता है। सो कैप्रिकॉन, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सिंगल कैप्रिकॉन्स। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।